Good morning. Last tip. Welcome back in EVS class. Students, today we'll restart the chapter 13. Chapter name is Plants and Animals in Water. That means Pani mein Padhe aur Janwar, animals. Look in book. I will read the blue lines. We have read about different aquatic animals. हमने जो है different अलग अलग जलीय पौधे के बारे में पढ़ा है and animals और animals के बारे में in our previous classes यानी कि पिछली कक्षा में. Try to remember the names of some of them and fill in the given table. और आपको इन्हें क्या करना है, fill करना है, याद करके उनके नाम लिखने उनको फिल करना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्वेटिक प्लांट्स, देखिए बता दो, हाइड्रिला, बेलसैनुरिया, वाटर लिली, ब्लू इरिस एंड कार्डिनल फ्लावर. अब आपके एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं बच्चों, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, शार्क, क्रोकोडाइल्स एंड सी हॉर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल रीड. वी नो दैट द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वॉटर are aquatic organisms. Aquatic plants and animals have special feature that help them to survive underwater. Let us learn more about these features. That means student, जैसे कि हम जानते हैं कि जो पानी में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहा जाता है, ठीक है. जो पानी में रहने वाले होते हैं जीव, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय जीव कहा जाता है. जलीय पौधों और जानवरों में विशेषताएं होती हैं जो उन्हें पानी के नीचे जीवित रहने में मदद करती है. तो आइए हम इन विशेषताओं के बारे में जानते हैं और अधिक जानते हैं. जैसे कि दिया हुआ है हेडिंग आपका एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे. एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन सीज, ओशियंस, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स. दैट मीन्स जलीय पौधे समुद्र में, महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में रहते हैं. वे विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है. वे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं. फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स लाइक डक वीट एंड वाटर हाइसिन फॉल फ्लट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. आई विल रीड अगेन. फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स लाइक डक वीट एंड वाटर हाइसिन फ्लट on the surface of water. That means student, जो तैरते हुए जलीय पौधे होते हैं जैसे कि डकवीट और पानी के पौधे, पानी की सतह पर क्या करते हैं, तैरते हैं. Submerged aquatic plants like hydrilla and valsanuria are rooted to the bottom of the water body and grow under the सरफेस ऑफ वाटर. दैट मीन्स पानी में डूबे जलीय पौधे जैसे हाइड्रा और वर्सानरिया जल शरीर की तलहटी में गड़े रहते हैं और पानी की सतह के नीचे उगते हैं. नेक्स्ट, अमर्जेंट एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हैव स्ट्रॉन्ग stems and roots that help them to hold on to the swell in shallow waters. This the leaf and flowers of these plants extend all the way up to the surface of water. That means जो खुले जलीय पौधे होते हैं बच्चों, जैसे कि लिली,
के पानी के लंबे होते हैं और जड़ें होती हैं। उन्हें छिछले पानी में भूमि को पकड़ने में मदद करती हैं। पौधे के पत्ते और फूल सभी तरह से पानी की सतह तक फैले हुए हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। जो खुले जलीय पौधे जैसे कि लिली के पानी के लंबे होते हैं और जड़ें होती हैं, ठीक है, जो उन्हें छिछले पानी में भूमि को पकड़ने में मदद करती। इन पौधों के पत्ते और फूल सभी क्या होते हैं, तरह से पानी की सतह में फैले हुए होते हैं। डिफरेंट फीचर्स आर सीन इन डिफरेंट एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि पानी के विभिन्न पौधों में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पानी के विभिन्न पौधों में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। समर्ज एक्वेटिक प्लांट्स हैव नो स्टोमाटा। नो स्टोमाटा द लीव्स आर नैरो एंड रिबन लाइक सो दैट दे डू नॉट गेट टॉर्न बाय वाटर करेंट्स। दैट मीन्स जो जललग्न जलीय पौधों में स्टोमेटा नहीं होता है, पत्तियां संकीर्ण और रिबन जैसी होती हैं ताकि वे पानी की धाराओं से फट ना जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल रीड। इन फ्लडिंग एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स और स्टेम्स हेयर हैव हेयर फिल्ड टिश्यूज दैट हेल्प देम टू फ्लड ऑन वाटर। सम फ्लडिंग प्लांट्स लाइक द वाटर हाइसिंथ हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। दैट मीन्स जो जलीय पौधे जड़ों या तनों में वायु से भरा ऊतक होता है जो उन्हें पानी में तैरने में क्या करता है, मदद करता है। पानी के जलकुंभी जैसे कुछ पौधों की पत्तियों पर मोमी परत होती है जो जल की क्षति को रोकती है। द फ्लैट एंड बोर्ड लीव ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस हैव एयर स्पेसेस दैट हेल्प देम टू फ्लड ऑफ वाटर। दैट मीन्स पानी के लिली और कमल जैसे जलीय पौधों के चपटे और मोटे पत्तों पर हवा की जगह होती हैं जो उन्हें पानी में क्या करती है, तैरने में मदद करती हैं। इन प्लांट्स विद फ्लटिंग लीव्स द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। कैन यू गेसेस द रीजन फॉर दिस। फ्लोटिंग पत्तियों वाले पौधे में रंध्र पत्तियों के ऊपरी पृष्ठ पर होते हैं। क्या आप इसके लिए कारण अनुमान लगा सकते हैं? लास्ट लाइन, द शीट्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली आर डिस्प्रेस्ड बाय वाटर, यानी कि अगर पानी में लिली जैसे कुछ जलीय पौधों को पानी में तितर बितर कर दिया जाए तो उसमें से बीज फूटेंगे। तो स्टूडेंट, टुडे आई हैव कंप्लीटेड द पार्ट वन। I will teach the aquatic animals in part 2. That's all for the today. Take care, students.